फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर यासीन, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे COVID-19 के चलते पूरी जो है महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, पूरा दुनिया परेशान है। तो उसके चलते आप घर बैठे कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आज खास स्पेशल जो है हमारे जो है संकेत यादव सर, जो मार्शल आर्ट ट्रेनर है, वहाँ पे उन्होंने आज एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है आपको। घर बैठे आपको जो है 5 से 6 एक्सरसाइज वो ऐसे बताएंगे जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी जो है इस तरह से बूस्ट होंगी कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे, अपने आप की स्टेमिना को जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कम से कम आज 15 से 16 साल इन्होंने ट्रेनिंग दी है और ये खुद ट्रेनर है। आज भी देखिए आप इनके जो है 1 2 3 4 5 6 एप्स इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड ही इज द ट्रेनर हु विल टीच यू अ वेरी वेरी साइंटिफिकली एंड वेरी अप्रोप्रिएटली। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये जो ट्रेनिंग आपको देंगे ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, जो जवान के लिए भी नहीं, यंगस्टान के लिए भी नहीं, तो ये अपने ओल्ड एज पीपल जो है हमारे जो बुजुर्ग है उनके लिए भी है। तो आप बने रहिए यहाँ पे, देखते रहिए इस चैनल को, एंड तक देखना है। आपकी यूनिटी, आपकी जो है जितने स्टेमिना जिस तरह से बिल्ड होगा, क्योंकि देखिए कोविड के चलते आप घर बैठ के आज जो लॉकडाउन का मजा लेंगे तो ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते शुरू करते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज जिसको कहते हैं हम स्टैंडिंग मार्च। जी हाँ, स्टैंडिंग मार्च आपके सामने बाय संकेत सर। स्टैंडिंग मार्च स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले यहां देखिए, स्टैंडिंग मार्च इज अनदर एक्सेलेंट एक्सरसाइज टू बिल्ड अप योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना। इफ यू फील अनबैलेंस्ड ड्यू टू वीकनेस, अगर आप वीकनेस से थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहे हैं तो ये आपको मदद करेगा आपके बैलेंस के लिए और स्टेमिना के लिए। तो परफॉर्म दिस एक्सरसाइज क्लोज टू वॉल और चेयर फॉर सपोर्ट। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज किस तरह से कर सकते हैं, या तो फिर आप चेयर से या वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा दूसरा वाला जो स्टेप है वो है साइड स्टेप। फॉर दिस एक्सरसाइज स्टैंड स्ट्रेट एंड टेक अ लैटरल स्टेप टू द लेफ्ट और उसके बाद टू द राइट। कंटिन्यू विद दिस 4 से 5 या 6 बार आप कर सकते हैं। तो साइड स्टेप कैन हेल्प यू टू बिल्ड अप स्टैमिना एंड इम्प्रूव योर बैलेंस एज वेल। तो बहुत ही बेहतरीन देखिए किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने मिस्टर संकेत, जी हाँ मिस्टर संकेत आपको दे रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन। आप चलता हूँ, यस, उसके पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है हमारे दोस्तों को। तो उसके बाद आएगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं किस तरह से आप जो है कर सकते हैं तीसरा स्टेप जो कि है वॉल सेट। वॉल सीट के लिए हमारे जो है संकेत सर जाएंगे वॉल के पास एंड वॉल सीट आपको बताएंगे किस तरह से करना है। तो आइए संकेत सर आप बताइए किस तरह से वॉल सीट को आपको देना है। तो स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एंड स्क्वाट करना है आपको, कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर पोस्चर, स्टैमिना एंड बैलेंस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। थोड़ा वेट करना है, सांस भरना है, अपनी अपनी सांस भर लीजिए और जो है आपको दिखा रहा हूँ स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल स्क्वाट करना है और उसके बाद आपका इम्प्रूव पोस्चर एंड स्टेमिना एंड बैलेंस। तो ये है आपका सेकंड, थर्ड वाला और चौथा मैं आपको बताऊंगा वॉल पुशअप्स। जी हाँ, वॉल पुशअप किस तरह से करेंगे। यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत इजी है वॉल पुशअप, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पुशअप से बहुत ही मिलता जुलता है। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स टू एक्टिवेट योर अपर बॉडी एंड कोर मसल्स। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से वॉल पुशअप्स होंगे। कम ऑन संकेत सर, यस यस, देखिए आपको जो है, देखिए किस तरह से ये प्रोफेशनल स्टंट्स जो आपको आ रहे हैं, प्रोफेशनल स्टंट्स किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। और ये है आपके वॉल पुशअप्स, थोड़ा रुक रुक के करना है, स्टेप ब्रीथ अंदर लेना है और इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद आएगा जो है आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, थोड़ा सा ब्रीथ लेंगे आप, ब्रीथ लेने के बाद आपको जो है करना है सिट टू स्टैंड। जी हाँ, सिट टू स्टैंड में आपको चेयर की जरूरत लगेगी, चेयर की जरूरत है और चेयर पे आपने इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, चेयर की एज पे आपको बैठना है एंड स्टैंड अप एंड स्ट्रेट विद योर आर्म्स स्ट्रेच इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिपीट दिस एक्सरसाइज टू बिल्ड अप योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। आपको सामने दिख रहा है किस तरह से ये चल रहा है। तो आपके लिए, तो फिर से आपको बता रहा हूं, सेट टू स्टैंड में इन दिस एक्सरसाइज क्या करना है आपको, यू हैव टू सेट ऑन द एज ऑफ दिस चेयर एंड स्टैंड अप
स्ट्रेट विद योर आर्म्स स्ट्रेच इन फ्रंट ऑफ यू। इससे क्या होगा, आपको रिपीट करना है ये एक्सरसाइज 5 से 7 टाइम या 10 वक्त आप कर सकते हैं। 10 टाइम्स यू कैन डू इट एंड रिपीट दिस एक्सरसाइज टू बिल्ड अप योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। देखिए किस तरह से जो विंग्स के नीचे, देखिए किस तरह से वो जो है लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों हो रही है स्ट्रेच। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। और लास्ट एंड द मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने कहा था मेडिटेशन। जी हाँ मेडिटेशन, किस तरह से मेडिटेशन करना है आपको, जहाँ देखिए सांस भरनी है, यार मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये मेडिटेशन करते हुए। तो मैं आपको बता रहा था सामने आपके मॉडल है किस तरह से आपने बन नाक लज, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़ना है, नाक से लेनी है, नाक से ही छोड़ सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये स्टेमिना, ये एक्सरसाइजेस आप घर बैठे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही देखेंगे ये डेमोन्स्ट्रेशन बाय संकेत ने हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे चैनल के लिए आपने जितना वक्त निकाला, समय निकाला, ऐसे ही समय निकालते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।